सिवनी पेंच व्यय प्रवर्तन योजना के तहत सिवनी जिले के बंडोल थाना क्षेत्र के ग्राम गराठिया में नहर निर्माण का कार्य चल रहा है। यहाँ पर नहर में किए गए घटिया निर्माण कार्यों की पोल अब धीरे धीरे खुलती जा रही है। इस स्थिति में क्षेत्र के कई किसानों ने पूर्व में भी आक्रोश जताया था। सबसे ज़्यादा समस्या ग्राम गराठिया के विगत दिनों हुई, जब बारिश के दौरान वहाँ पर नहर टूट गई, पुलिया बह गई है। वहीं कई जगह किसानों को उतरने चढ़ने के लिए रैंप तक नहीं बनाए गए, जिसका कोई अता पता नहीं है। उक्त नहर निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले की जानकारी किसानों द्वारा परियोजना ई धर्म सिंह तेकाम को भी अवगत कराया गया था, लेकिन उनके द्वारा हिला हवाला देख कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अतः किसानों ने जिला कलेक्टर राहुल हरिदास फंडिंग को जिले के विधायक दिनेश राय से आग्रह किया है कि उक्त निर्माण कार्यों को निष्पक्षता से जाँच कराई जाए। सिवनी से महबूज अंसारी की रिपोर्ट। का कृषक हूँ और मैं ये नहर के बारे में दो शब्द बोलना चाहूँगा कि ये नहर के बारे में किसानों को इतनी दिक्कत हो रही है कि आने जाने की रास्ता भी नहीं है। जो इसका नहर की जो लंबाई चौड़ाई का जो मैप है उसके आधार पर इसका काम हुआ ही नहीं है। हमने सभी अधिकारियों से और सरकार से भी अपील की है, लेकिन हमारी किसानों की बात कोई सुन नहीं रहा है। तो आप लोगों पत्रकार लोगों से हमारा ये निवेदन है कि हमारी आवाज़ों को पूरे किसानों की सरकार तक पहुंचाने की कृपा करें। कलेक्टर महोदय और विधायक जी के माध्यम से है ना, काम को जल्दी जल्दी स्वीकृत कराया जाए। लाल साहू है जी, मेरी ज़मीन जो नहर के दो हिस्सों में बटी है, वे में जान आन की रास्ता ही नहीं है। इनने नहर वाले ने जो काम करवाए वे में लाल मट्टी डाल दें, नहर खिसल गई, खुद गई। एक तरफ रास्ता ही नहीं है, जाने आने की बंद है, सब ट्रैक्टर गाड़ी बैल सब बंद पड़ी। साहब लोगों के कहो तो बैल हाओ आ रहे हैं और आमे मामे नहीं, कोई देखे ही नहीं आंखें साहब और बन आंखें चले गए। अब है ना, पर किसान सब पूरा परेशान है। नीचे की जो रोड ने काम करवाए थे वो रोड किसान ने सब बंद कर दे, अब अपनो आनो नहर से ही है, तो नहर में अपनो आनो जानो हो ही नहीं रहो, सब बंद पड़े किसान पूरे। लगभग 50 किसान, कम से कम लगभग 50 किसान बंद पड़ो है। 1000 एकड़ जमीन को रुकाव लगो है, 1000 एकड़ जमीन में आन जान की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि नहर के निर्माण एजेंसी द्वारा जी दूसरे कृषकों को जाने के लिए रास्ता बनाकर दिया जाता है। इस संबंध में आपने चर्चा किया उनसे? करे साहब, करना ही सुने ना। हाँ बोलते ना, हाँ बोला थे, हाँ तो बोलते हैं, बोले तो चिंता मत करो, रोड बना दे रहे हैं, बेलर करके दे रहे हैं, जे कर रहे हैं, पर हमें कोई नहीं। ठेकेदार साहब से भी बोले, साहब से भी बात हुई हमारी, तो ये साहब ने बोल रहे हैं हम आ रहे हैं भैया, देखा थे एक दो दिन में और नहीं आए। ये साहब बैलेंस पानी खराब होगा, बिल्कुल पानी में पूरी रोड कट के जोर से बोलो। मैं अमित पांडे, कृषक ग्राम गराठिया। मैं पत्रकारों के माध्यम से अपनी ये बात माननीय कलेक्टर महोदय और विधायक महोदय संज्ञान में देना चाहता हूँ कि गराठिया में ये बन रही जो नहर है ये बिल्कुल अवैध निर्माण हो रहा है। ठेकेदार के द्वारा रातों रात काम किया गया है और ना ही कोई मापदंडों का ध्यान रखा गया है और ना किसानों का ध्यान रखा गया है। जब ठेकेदार से हमने बात की है तो ठेकेदार ने एक दो बार फोन उठा के बात किया, करवा दूंगा बोला है, पर अभी तक कोई भी काम नहीं किया गया है। संबंधित अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने भी सिर्फ हाँ हाँ कह के सब बात इधर की उधर कर दिए हैं, कोई भी काम नहीं किया गया है। इस बार ग्राम गराठिया का तालाब भी फूटने की स्थिति में है, जो जिसका मेन कारण नहर है और ठेकेदार है। इनकी लापरवाही के कारण इस बार गराठिया में महाविनाश की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कोई अनहोनी भी हो सकती है इस नहर में चलने से, क्योंकि नहर में कोई रास्ता है ही नहीं। नहर में मात्र 6 फीट का रास्ता, 8 फीट का रास्ता है और पहली बार पानी गिरा है अभी, उसी में नहर के दो टूक हो गए हैं, कहीं से भी नहर बिगड़ चुकी है, बह चुकी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, समस्त पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि हम लोग किसानों की आवाज़ को तो बहुत जल्दी दबा दिया जाता है, पर इस बार किसानों की आवाज़ को आप बुलंद करें और कलेक्टर महोदय से, विधायक महोदय से निवेदन करते हैं मीडिया के द्वारा कि जल्दी से जल्दी ठेकेदार को बोलकर, अधिकारियों को बोलकर हम लोगों की रास्ता जल्दी से क्लियर करवाएं, नहीं तो हम लगभग संबंधित 500 एकड़ करीब पर रकबा जो है वो बगर बोनी के रह जाएगा। और इसका पूर्ण जवाबदारी प्रशासन
प्रशासन की रहेगी, ठेकेदार की रहेगी और संबंधित अधिकारियों की रहेगी। और हम जो हैं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, समय स्थिति जब जैसी रहेगी उस टाइम फिर हम प्रशासन से अपने हिसाब से बात करेंगे। जल्दी से जल्दी काम आप करा दें तो सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस मैं अपनी बात बोल कर अपनी वाणी विराम दे रहा हूँ। जय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।